हाय, मैं बिंदर सिंह। आज आपको बताना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड हटा सकते हो। ठीक है, हम लेके चलते हैं आपको। सीधा एक ब्राउज़र ओपन करिए और ब्राउज़र में जाके आप रिमूव बीजी टाइप कीजिए। देखिए, प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा नेट स्लो है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अपलोड इमेज, यहाँ पे आप ओके कीजिए। तीर का चिन्ह दर्शा रहा था। उसके बाद आप कैमरे से आप जो फ़ोटो लेना चाहते हो वहाँ से लेंगे, नहीं तो आप ब्राउज़र में जाइए। ब्राउज़र में जाओगे तो यहाँ पे अपनी ये आपका जो मोबाइल की गैलरी है, फ़ोटो है, फाइल है, सभी आ गई। अपनी इसमें से अपना फ़ोटो जहाँ पे रखा हुआ आपका उसको ढूंढ ले आप। ठीक है, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्रैक्टिकल तौर पे। ये फ़ोटो है, जैसे कि मेरे दोस्त का है, मेरा है, इसका बैकग्राउंड आपने देखा था, ये सेम है, ये ऐसा है, तो ये चेंज हो चुका है, यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर की तरफ। तो देखिए, हम डाउनलोड करते हैं इसको, डाउनलोड कर लें और ओपन करके देखें आप। देखिए, कुछ इसी तरीके की बैकग्राउंड इसका जा चुका है। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि आप बहुत सारे हैं, आप किसी भी तरीके से इस पर साइज भी दिया होता फुल एचडी, जिस तरीके से आप डाउनलोड करना चाहते आपने देखा है। ठीक है, और फिर आपको हम एक और दिखाना चाहते हैं यहाँ पे, दूसरी तरीके से आप फिर कोई और एक और फ़ोटो लें और उसका बैकग्राउंड चेंज करके देखते हैं। जी बिल्कुल सरल है, आप ध्यान से देखें, समझें, कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है इतनी बड़ी। यहाँ पे देखें, ये बैकग्राउंड है। ठीक है, अपलोड किया, 5 ही सेकंड लगेंगे। ये देखिए, इसका बैकग्राउंड है, जो बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। ओपन कीजिए, देखिए, डाउनलोड किया है हमने, इसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। ठीक है, अब हम तुरंत आपको लेके चलते हैं कि किस तरीके से इसका बैकग्राउंड है और दूसरा बैकग्राउंड लगाते हैं। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, एक ऐप्स है, चलते हैं उस ऐप्स की तरफ, पिक्सल लैब। ठीक है, हमने कुछ इन तरीके से पहले इंटरफेस किया हुआ था। कुछ इस तरीके से आता है बैकग्राउंड है, इसमें बहुत सारे बैकग्राउंड है। ठीक है, चाहो तो आप अपने हिसाब से बैकग्राउंड ले सकते हैं। यहाँ पे टच करो, प्लस पे टच किया, फ्रॉम गैलरी, पीछे का बैकग्राउंड आप लेना चाहते हो कोई भी, अदरवाइज आपको अच्छा लग रहा है जैसे कोई भी, तो आप वो बैकग्राउंड ले सकते हो। इसमें जाइए, जैसे यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड ले लिया है हमारा चैनल का। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर जाके इमेज यूट्यूब थंबनेल आए जो उसको थंबनेल, ये आ गया है। ठीक है, अभी इस पे हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से करते हैं आप देखते रहिए। यहाँ से आप कोई भी फ़ोटो ले लें जो आपको अच्छी लगती है। चलो, हम इसको डिलीट कर लेते हैं, बैकग्राउंड इनमें से ले लेते हैं, ये बहुत सारे बैकग्राउंड हैं। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे इनमें से ले लो, जैसे हमने ये चुन लिया। ठीक है, और हमने जो वो फ़ोटो अभी थोड़ी देर पहले जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया था, हम उसको यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, ये रहा क्यों। ठीक है, इसको हम किस तरीके से भी यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हैं, आप देख रहे हो। इस तरीके से इसको ऐसा भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, इतना चौड़ा भी कर सकते हो, पतला भी कर सकते हो, ऐसा लंबा भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर कि आप किस तरीके से इसको लगाना चाहते हो। ठीक है, और ये हमने पूरा सेट कर दिया है। और ये जो टैक्स है, इस टैक्स को आप डिलीट कर दें। ठीक है, फिर दोबारा से ऑप्शन आता है एक टैक्स का, इस पे जाइए। यहाँ पे हम कुछ लिखना चाहते हैं कि ये घूम रहा है, यहाँ से ये घूम जाता है।
ये आ चुका है। मैं यहाँ पे हम लिखते हैं कि बैकग्राउंड हमें फर्स्ट बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है, ये हमने इस तरीके से लिखा, कैसे किया, ऐसे कर सकते हो आप, उसके बाद इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे करिए, और ये वाला इस तरीके से आप इसको दे सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको कलर देते हैं। यहाँ पे कलर हैं बहुत सारे हमारे पास, कलर पे आइए, कलर का ऑप्शन, आप कौन सा कलर देना चाहते हो वो आपके ऊपर है। ठीक है, ये कलर पे किया, यहाँ पे प्लस करूँ, ये हमने दे दिया यहाँ पे, ओके। उसके बाद आप इसमें कुछ और देना चाहते हो, जैसे शेडो वगैरह देना चाहते हो, या बैकग्राउंड कुछ और देना चाहते हो, या स्टाइल वगैरह देना चाहते हो, 3D करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे शेडो का ऑप्शन है, इसको अनवेलेबल कर दें, और ये आ गया इसका शेडो का। ठीक है, ऐसे ही फिर आप सेकंड में वर्क अप कर सकते हो, इसे फर्स्ट हो गया, उसके बाद हम सेकंड। बैकग्राउंड चेंज, बैकग्राउंड चेंज। ठीक है, हमने कुछ इस तरीके से किया, ये किया, और बड़ा कर लेते हैं हल्का सा, कलर लिया, ले लिया। उसके बाद आप स्टाइल देना चाहते हो तो आप यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल हैं, किसी तरीके से भी दे दें आप, स्टाइल दे दिया हमने, और उसके बाद हम शेडो दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ से जाके आप सेव कर दें, तो यहाँ पे जाके JPN की बजाय आप यहाँ पे PNG कर दें और सेव कर दें। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं कि ये जो फोटो है सेव हो चुका है। हर एक बच्चा पढ़ाई से डरता है क्योंकि मुश्किल। देखें, ये सेव हो चुका है। ठीक है, आप इसी तरीके से वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, अच्छी लगे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और कुछ आपको चाहिए और पूछना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, कुछ प्रॉब्लम हो तो हम ज़रूर उसके लिए आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।